जय हिंद। आज हम इस वीडियो में भारत में प्रथम महिलाओं के बारे में चर्चा करने वाले हैं और उसके साथ में यह भी डिस्कस करेंगे कि जो महिलाएं हैं वो किस प्रकार दिखाती हैं कि हम किसी से भी पीछे नहीं हैं। यह सबसे पहले यह उन लोगों के मुंह पर तमाचा है जो यह कहते हैं कि महिलाएं किसी से पीछे हैं या महिलाएँ उस काम को नहीं कर सकती हैं। ऐसा कहना गलत है क्योंकि महिलाएँ भी किसी से कम नहीं हैं और वो अपना काम पूरी बखूबी जिम्मेदारी के साथ निभाती हैं। यहाँ पर हम कुछ एग्जांपल्स ले रहे हैं जो हमें यह दर्शाती हैं कि महिलाएं भी किसी से कभी भी पीछे नहीं रही हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं राष्ट्रपति की। तो हमारी जो राष्ट्रपति प्रतिभा देवी सिंह पाटिल जी रहीं, वो यह दर्शाती हैं कि महिलाएं कुछ भी कर सकती हैं। वह ग्राम प्रधान से लेकर सबसे बड़ी पोस्ट, इस भारत की सबसे बड़ी पोस्ट राष्ट्रपति, जो भारत का प्रथम नागरिक है, उसकी पोस्ट तक भी महिलाएं आसानी से पहुंच सकती हैं और अपने काम को बखूबी जिम्मेदारी के साथ निभा सकती हैं। वो भारत की 12वीं राष्ट्रपति बनी जिनका कार्यकाल सन 2007 से लेकर सन 2012 के बीच में रहा। तो महिलाएं किसी से पीछे नहीं है। उसके बाद आती हैं प्रधानमंत्री, प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी जी। ये हमारे देश की सबसे बेस्ट प्रधानमंत्री थी, सबसे बेस्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, वो भारत की बेस्ट प्रधानमंत्री थी। ये लगातार 3 बार प्रधानमंत्री बनने वाली महिला थी। तो वो चौथी बार प्रधानमंत्री 1980 में बनी और अपना कार्यकाल बखूबी से निभाने लगी। अपना कार्यकाल निभाते समय, जब उनका कार्यकाल चल ही रहा था, तब उनकी 1984 में उनकी हत्या कर दी गई और वो उस टाइम तक भी प्रधानमंत्री थी जिस टाइम उनकी हत्या की गई थी, वह उस समय भी प्रधानमंत्री थी। तो ये सब जो हैं, हमारी जो महिलाएं हैं, ये कुछ भी कर सकती हैं, ये किसी भी पोस्ट तक जा सकती हैं। बस उनको मोटिवेशन की ज़रूरत रहती है, उनको कोई मोटिवेशन देने वाला चाहिए। उसके बाद राज्यपाल की बात करते हैं। राज्यपाल हमारी सरोजिनी नायडू, जो उत्तर प्रदेश की राज्यपाल थी और ये भी अपना काम बखूबी जिम्मेदारी से निभाती थी। उसके बाद हम बात करते हैं मुख्य सूचना आयुक्त की। मुख्य सूचना आयुक्त दीपक सिंधु, यह भी भारत की ही महिला हैं और ये भी अपना काम बखूबी से निभाई और मुख्य सूचना आयुक्त बनी। मुख्य सूचना आयुक्त बनना कोई आम बात नहीं है, इसमें बहुत ही माइंडसेट की ज़रूरत रहती है, इसमें बहुत ही प्रैक्टिस और नॉलेज की ज़रूरत रहती है, तब जाके कोई मुख्य सूचना आयुक्त बन जाता है। तो ऐसा नहीं है कि हमारी महिलाएँ किसी से पीछे हैं, वह भी अपना काम बखूबी जिम्मेदारी से निभाना जानती हैं। उसके बाद IPS किरण बेदी हैं, इनके बारे में तो आपने सुना ही होगा। इसके बाद राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्षा था जो एनी बेसेंट हैं, वो 1917 में इसकी अध्यक्षा बनी। अब ये देख लीजिए कि 1917 में हम अभी भी बात करते हैं कि महिलाएं पीछे हैं, कैसे कह सकते हैं भैया कि महिलाएं पीछे हैं किसी से। ये 1917 में इसकी राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्षा बनी थी, तो हम कैसे कह सकते हैं। लेकिन क्या है ना, हमारा एक माइंडसेट बना है कि महिलाएं जो हैं वो पीछे हैं, वो कुछ कर नहीं सकती, वो कुछ कर नहीं सकती। क्यों नहीं कर सकती भैया, हमको उनको आगे लाने की तो ज़रूरत है, उनको आगे लाइए और जब आगे लाएंगे तभी वो आगे बढ़ पाएंगे। जब आप पीछे से ही किसी चीज़ की टांग पकड़ के खींचते रहेंगे तो कौन कितना आगे बढ़ पाएगा। अगर एक रेलगाड़ी है और रेलगाड़ी में एक इंजन लगा है, एक इंजन कितना भी पावरफुल क्यों ना हो, जब उस रेलगाड़ी में 20-25 डब्बे लगे रहेंगे और हर एक डब्बे में, हर एक पहिए में ब्रेक रहेगा, तो जब ब्रेक लगा रहेगा, अप्लाइड रहेगा, तो जो उसका इंजन हो कितना खींचेगा, उसकी भी एक लिमिट रहती। तो ऐसा नहीं है कि वो इंजन खींचता ही रहेगा, वो रुक जाएगा, उसकी इतनी कैपेसिटी नहीं खींच पाएगा। तो यहाँ पर भी मोटिवेशन की ज़रूरत है, हमें उनको आगे लाने की ज़रूरत है, उनको आगे लाने की ज़रूरत है। जब उनको आगे लाएंगे तभी वो कुछ करेंगी। इसके बाद है मिस वर्ल्ड। अब देखिए, मिस मैन तो सुना नहीं होगा लेकिन यहाँ पर मिस वर्ल्ड है, और ये भी अब की नहीं है, 1966 की है, 1996 की है, मिस वर्ल्ड है रीता फारिया। तो अब हम इनका एग्जांपल लेके कैसे कह सकते हैं कि महिलाएं पीछे हैं, नहीं ये गलत बात है, हम नहीं कह सकते। इसके बाद हम एक और एग्जाम्पल लेते हैं मिस यूनिवर्स का, जो हमारी सुष्मिता सेन है। अब हम इनको कैसे कह सकते हैं कि ये पीछे हैं, अगर पीछे होती तो ये मिस यूनिवर्स कैसे बनती। तो ये बात कहना गलत है कि महिलाएं पीछे हैं।
जब ये मिस यूनिवर्स बनी थी तब ये मात्र 18 साल की थी। अब जान लीजिए कि कम उम्र में भी महिलाएं फेमस हो रही हैं, आगे काम कर रही हैं। जब ये 18 साल की थी और ये 1994 में ही ये मिस यूनिवर्स 18 साल की उम्र में ही बन गई थी। अब हम कैसे कह सकते हैं कि ये महिलाएं पीछे हैं। इसके बाद एक और एग्जांपल लेते हैं, सबसे बेस्ट एग्जांपल जो यह दर्शाता है कि महिलाएं किसी भी क्षेत्र में पीछे नहीं हैं, वो चाहे किसी भी वर्ल्ड किसी भी फील्ड में ले लीजिए। तो यहाँ पर है माउंट एवरेस्ट की विजेता पर्वतारोही, माउंट एवरेस्ट की विजेता। अब ये जान लीजिए कि छोटी मोटी चढ़ाई नहीं है कोई माउंट एवरेस्ट। माउंट एवरेस्ट जिसकी ऊंचाई 8848 मीटर है, तो ये कोई सामान्य सी ऊंचाई नहीं है, इस पे चढ़ना बहुत ही मुश्किल बात है। माउंट एवरेस्ट पे लोग चढ़ ही नहीं पाते हैं, तो उसको भी महिलाओं ने ही पार किया है, महिलाएं भी वहां पर गई हैं और उसको पार किया। जो माउंट एवरेस्ट की पर्वतारोही विजेता थी वो बछेंद्री पाल जी थी, वो बछेंद्री पाल थी। कब इन्होंने माउंट एवरेस्ट पर फतह हासिल की थी? 1984 में, 1984 में इन्होंने माउंट एवरेस्ट पर फतह हासिल कर ली थी। वो माउंट एवरेस्ट की पर्वतारोही बन गई थी, उसको उस पर चढ़ गई थी। तो यहाँ पर निष्कर्ष यही निकल के आता है कि जो महिलाएं हैं वो किसी से भी पीछे नहीं हैं, वो चाहे कोई भी क्षेत्र क्यों ना हो। बस हमें क्या ज़रूरत है, महिलाओं को मोटिवेट करने की ज़रूरत है, उन्हें आगे ले जाने की ज़रूरत है, उनको सही डायरेक्शन देने की ज़रूरत है। आई होप इस वीडियो में आपने यह समझा कि महिलाएं किसी से पीछे नहीं हैं, और हमने उन महिलाओं के बारे में भी चर्चा किया जो भारत में पहली बार हैं और वो सबसे ज़्यादा फेमस हैं। इसी के साथ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।